तो निकल पड़े हैं आज भी टीम की जिंदगी बदलने, लेट्स गो। मशीन रेडी है, इसको रिक्शा में लोड कराते हैं, फिर ऐसे पड़ेंगे हम लोग इसकी एक्सेसरी लेने के लिए। मशीन के बाद ये सारी एक्सेसरीज रेडी है हमारी। तो यहाँ पर हमारी है तीन मशीनें, मतलब एक दिख रही होगी आपको, बाकी दो है। तो एक्सेसरीज हो चुकी है, मशीन हो चुकी है, लेट्स गो। एक एक करके उनसे पहले बातचीत करते हैं, फिर उनको सरप्राइज देते हैं। नाम आपका? सपना नाम है। सपना जी बताइए। मैं तो जब से शादी हुई है तो तब से ही सोच रही हूँ कि अपना कोई काम करूँ, और पति मजदूरी करते हैं तो खर्च के, घर के खर्च के अलावा वो निकाल नहीं पाते, तो सोच सोच के ही रह जाते हैं। 8 साल हो गया शादी को, अपना कोई काम भी करना चाहती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, मजबूरी इतनी है, दो दो बच्चे हैं, दोनों का भी अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छे कपड़े अच्छे सब कुछ देना, नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक दिन कमाते हैं तो 5 दिन उसमें हम खाते हैं। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? तो पति आपके मतलब मजदूरी करते हैं, तो वो एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन नहीं मिलता, तीसरे दिन मिलता है, तो उससे हम घर का ही खर्च निकाल पाते हैं, तो कैसे उसमें मशीन ले पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे? पूरा काम भी सीख के मैं नहीं कर पाती हूँ कि है ही नहीं तो करेंगे कैसे। सीखा है आपने मशीन चलाना? हाँ, पूरा सीखा हुआ है, मम्मी पापा ने पूरी ट्रेनिंग दिलवाई थी 6 महीने की। क्या क्या सीखा है उसमें आपने? ब्लाउज बनाना, सूट सलवार, पेटीकोट वगैरह, बच्चों के कपड़े, ये सब कुछ सिखाया था। अच्छा, हाँ। तो मतलब मशीन की बेसिकली नीड है आपको? हाँ, तो मशीन नहीं है इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, अभी जैसे ये स्कूल जाने लगी है तो अच्छा। इसके खर्च बढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी। कुछ दिन में ये भी जाएगा स्कूल, तो दोनों के लिए सोचना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि कैसे क्या करेंगे स्कूल तो, वगैरह का। हाँ, बहुत मुश्किल होता है कि इनकी पढ़ाई कैसे होगी, सोचती हूँ पर नहीं कर पाती क्योंकि है नहीं कुछ हमारे पास, कैसे करें रिसोर्सेस मतलब। और बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि मशीन लेंगे पर हम घर के खर्च के अलावा बाहर निकाल ही नहीं पाते, बचा ही नहीं पाते, तो कैसे लेंगे? एक बार मतलब इतना जमा नहीं कर पाते मशीन। हाँ, ले पाओ तो मशीन अगर सिलाई मशीन हो जाती है, मिल जाती है, तो उससे क्या मतलब चलेगा काम यहाँ पे? फायदा हाँ, होगा, काम चलेगा यहाँ पे काम, जैसे मैं ब्लाउज सिलती हूँ, सूट सलवार, तो अगर मशीन मिलेगी तो मैं सिलूंगी, उससे मैं खर्च निकालूंगी, तो जो पति कमाएंगे उनसे बच्चों की अच्छी परवरिश होगी। अच्छा, मतलब इतना निकल जाएगा मशीन होने से? मशीन में जैसे कि 200-300 रुपए भी अगर निकल जाते हैं तो उससे हम घर का राशन पानी जोड़ लेंगे। जी। और जो पति लेके आएंगे उससे हम बच्चों का अच्छी परवरिश कर पाएंगे, अच्छे एजुकेशन दे पाएंगे। अरे वाह, ठीक है, चलो यहाँ पे ही रहते हैं। यहाँ पे मतलब चलो अभी तो ठंड आ रही है वैसे, लेकिन यहाँ तो लाइट वाइट का, पंखे वंखे का कुछ इंतजाम नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, लाइट भी नहीं है, बच्चों को पढ़ने की भी बहुत दिक्कत होती है। तो कैसे पढ़ाई करते हैं फिर? इनको दिन में ही पढ़ा सकती हूँ, रात में तो ये पढ़ ही नहीं पाते हैं, जैसे रात में टाइम मिलता है, हम तो दिन भर मजदूरी करते हैं। जी। तो रात को टाइम मिलता है, अब जैसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ी भी हूँ तो बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। आप बच्चों को पढ़ाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में अभी है? अभी तो ये इसमें है, ये ज्ञान शक्ति विद्यालय। कौन से क्लास में? पहली। फर्स्ट क्लास में? हाँ। क्या वो उधर? अच्छा, चलो ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब कम रिसोर्सेस के बाद भी पढ़ा रहे हो बच्चों को, बड़ी बात है अपने आप में। ये देखिए दिवाली का गिफ्ट, एक तरह से लक्ष्मी जी है। अच्छा, लक्ष्मी पूजन फिर करिए? लक्ष्मी पूजा करूंगी और बच्चों का भविष्य चलूंगी। अच्छा, मशीन से ना, यही बोला था आपने, ये मशीन हो गई, ये पायदान वाली ना? ठीक है। यही सब होता है? खुश इससे अब? हाँ। अब कैसे जाएगी दिवाली आपकी? बहुत अच्छी दिवाली जाएगी, ये तो एक तरीके से मेरे लिए लक्ष्मी जी का गिफ्ट हुआ दिवाली का। हाँ जी। ये है पिंकी सोनी, मंजुला सोनी, जैना पटेल, जो अमेरिका में रहते हैं, विदेश, यूएसए में, ये उनके परिवार की तरफ से। मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और बहुत बहुत थैंक यू। फ्यूचर में बच्चों का एजुकेशन अच्छा होगा, बच्चों की भविष्य अच्छी होंगे, उन्हें मैं अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगी। मशीन से कमाएंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे, यही हम चाहते थे, आप मजबूती से आगे बढ़िए, खुश रहिए जिंदगी में, ठीक है? फिर मुलाकात होगी तो एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। बढ़ते हैं, चलते हैं, मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। तो खुरपी का काम करते हैं, आलू मेथी सब लगाना पड़ता है। अच्छा, मतलब दिहाड़ी वगैरह करते जी? भाई नहीं आपके कोई? नहीं, भाई नहीं। सिलाई मशीन चाहिए थी आपको?
सिलाई मशीन चाहिए थी, ये जो होती है ये चीज। ये जिन्होंने भिजवाया है उनका नाम है पिंकी सोनी, मंजुला सोनी और जैना पटेल, अमेरिका में रहते हैं, उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ये आपके लिए दिवाली का गिफ्ट था उनकी तरफ से। मेरा नाम सोनी है और हमारे घर में ये परेशानी है कि हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपने वजह से अपना घर का खर्चा चलाने में थोड़ा वो हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। इसी वजह से हम मशीन नहीं खरीद पा रहे हैं, जुट नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा है, खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, तो मशीन कहाँ से मिलेंगे। तो आज की महंगाई में ये भी तो है, महंगाई में तो ये खर्च ही चलाना बहुत बड़ी बात है। मैं सिलाई पूरी सीख रखी हूँ। अच्छा, सिलाई पूरी आती है आपको? हाँ, हमको सिलाई पूरा आता है, तो हम ये मशीन खरीद नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, बैलेंस नहीं जुट पा रहा है हमारे पास, इसलिए हम नहीं खरीद पा रहे हैं। एक बार में इतना जमा नहीं कर पा रहे? हाँ, हम पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं, अब इतना खर्ची खोराकी चलाने में परेशान है, तो हम कहाँ से पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे उतना। मशीन अगर लेकिन मिल जाएगी तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? अब मशीन मिलेगा तो अपना हम रोजगार खोल सकते हैं, अड़ोस पड़ोस का अपना कपड़े सिल सकते हैं, उस पैसे से हम अपना दिवाली अच्छे से मना सकते हैं। छठ, हाँ छठ पूजा आई है, वो भी अब व्रत करते हैं, भूखते हैं, उसको भी मना सकते हैं अच्छे से, कपड़े सिले उलेंगे जब भी तो मनाएंगे, तो हम अपना इससे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। छोटा सा बच्चा है, छोड़ छोड़ के काम करने के लिए जाते हैं, अगर अगर वो रहता, अगर मशीन हो जाता है तो हम अपना सीखे हुए हैं पूरा सिलाई, तो अपना घर में कर सकते हैं काम, दो पैसा अपने घर में ही रह सकते हैं। मतलब सिलाई मशीन की जरूरत है आपको? हाँ, मुझे सिलाई मशीन की बहुत जरूरत है, और अगर ये आप हमें दे देंगे तो हम समझे कि आप हमें दिवाली में गिफ्ट दे रहे हैं सर। अच्छा, दिवाली का तोहफा हो जाएगा आपको? दिवाली में आप लोगों ने हमें गिफ्ट दिया है ये। अच्छा, ये दिवाली अच्छी हो जाएगी? मतलब हमारी दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत रंगीन हो जाएगी हमारी दिवाली, खूब अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। सिलाई मशीन से? हाँ, सिलाई मशीन से, मैं उसी खुशी से। हाँ, बहुत खुशी से मनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा दिवाली का गिफ्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि आप भैया की वजह से हमें ये मशीन मिली है, और इससे हम अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। बच्चे को बिठा के जाना पड़ता है काम करने के लिए ना? बच्चे को बैठा कर काम करने जाते हैं, तो अब ये मशीन मिल गई है, तो अब इससे अपना घर में काम कर सकते हैं। तो ये जो है मशीन, ये भिजवाई है आपके लिए बाहर से, विदेश से, पिंकी सोनी, मंजुला सोनी और जैना पटेल, इनकी तरफ से दिवाली का गिफ्ट है आपके लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सबको मिल बांट के करना चाहिए, हम लोग मिल के एफर्ट करें तो बहुत से लोगों का घर बचा सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। एक छोटी सी हेल्प तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये ऐसी हेल्प है जो उनकी लाइफ चेंजिंग होती है, बिकॉज उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका मिलता है। इतना हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है संदीप भट्ट ऑफिशियल, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।